दोस्तों आज किस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग माई इलेवन सर्कल में आप लोग जो आपका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट को कैसे यहाँ पर आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे यहाँ पर आप लोग बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग माई इलेवन सर्कल में बैंक अकाउंट को ऐड करके पैसा को विड्रॉल करना चाहते हो तो आप लोग सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो को दोस्तों देखने के बाद आपको कोई सा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा कंप्लीट वॉच करते हो तो आप लोग भी यहाँ पर सिंपली बैंक अकाउंट को ऐड कर पाओगे, बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर पाओगे। तो दोस्तों बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए सिंपली आपको क्या करना, जो भी आपका माई इलेवन सर्कल है सबसे पहले तो आपको इसको ओपन कर लेना। ओपन दोस्तों आप लोग जैसे कर लो तो यहां पर सबसे पहले ये जो आपका ऊपर में जो थ्री डॉट है सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए। इस पर दोस्तों आप लोग जैसे क्लिक कर दोगे तो यहां पर आपको काफी सारे ऑप्शन यहां पर आपको देखने को मिल जाए, देख सकते हैं। देन यहां पर दोस्तों हमको तो भैया यहां पर हमको बैंक अकाउंट को ऐड करना, बैंक अकाउंट को लिंक करना। तो उसके लिए दोस्तों एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा तीसरे नंबर में, विड्रॉल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना। इस पर दोस्तों आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो यहां पर आपको तीन ऑप्शन यहां पर आपका खुल करके आ जाएगा, रिक्वेस्ट विड्रॉल, विड्रॉल हिस्ट्री हमारे को खुल करके आ जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना, रिक्वेस्ट विड्रॉल वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना। इस पर दोस्तों आप लोग जैसे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपका कब कुछ इस तरह से यहाँ पर आपका पेज खुल करके आएगा। यहाँ पर दोस्तों जो भी आपका मतलब कि जो भी आपका मिनी विनिंग बैलेंस होगा, विनिंग बैलेंस यहाँ पर आपका शो हो जाएगा, हिस्ट्री भी यहाँ से आपका शो हो जाएगा, एंड जितना रुपये यहाँ से आप लोग विड्रॉल करना चाहते हैं उतना रुपये यहाँ पर आपको डाल लेना है। एंड यहाँ पर दोस्तों यूपीआई का ऐड मतलब यूपीआई का भी ऑप्शन देखने को मिलता है कि आप जो पैसा को जीतते हो उसको यूपीआई से भी मतलब कि विड्रॉल कर सकते हो। अगर यूपीआई आईडी ऐड नहीं करना चाहते तो उसके लिए मैंने पिछले वीडियो में मैंने को बताया कि आप यहाँ पर यूपीआई को कैसे वेरीफाई कर सकते हो, तो जाकर के वो वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आप लोग यूपीआई यहाँ पर अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं फिर वेरीफाई करना चाहते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पर, तो भैया तुमको यहाँ पर तो बैंक अकाउंट को ऐड करना। तो सिंपली क्या करना है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से आपको यूपीआई ऐड होगा। एंड यहाँ से दोस्तों हमको बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए देख सकते हैं आपको इस पर आ जाना। इस पर दोस्तों आ जाओगे तो यहाँ पर आपको बोलेगा जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा, अकाउंट नंबर को यहाँ पर आपको डाल लेना है। एंड यहाँ से दोस्तों आपको जो भी अकाउंट नंबर होगा मतलब कि यहाँ पर जो अकाउंट नंबर डालोगे उसी अकाउंट नंबर को यहाँ पर आपको डालना। उसके नीचे में दोस्तों आपको मतलब कि जो आपका आईएफएससी कोड होगा बैंक का, आईएफएससी कोड को डालना। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं यहाँ से अपना अकाउंट नंबर को डाल लेता हूँ। अकाउंट नंबर को दोस्तों ऊपर में जो डालोगे आपको सिंपली नीचे में भी वही चीज़ आपको डालना है। तो आप लोग सभी लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अकाउंट नंबर को डाल दिया हूँ। एंड यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे में क्या करना, आपको आईएफएससी कोड को यहाँ से सिंपली आपको डालना। तो दोस्तों जो मेरा आईएफएससी कोड है वो मेरा एयरटेल पेमेंट बैंक का आईएफएससी कोड है। तो सिंपली वहाँ से हम मतलब क्रोम से भी यहाँ से हम अपना आईएफएससी कोड को निकाल लेते हैं। आपका जो पासबुक होगा या फिर जो आपका बैंक होगा वहाँ से दोस्तों आपको अपना आईएफएससी कोड को निकालना, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों मेरा तो आईएफएससी कोड होगा मतलब कि अगर आप लोग भी एयरटेल पेमेंट बैंक यूज करते तो यहाँ से आप लोग सिंपली आईएफएससी कोड ले सकते। तो मैं तो यहीं से आईएफएससी कोड को कॉपी किया हूँ। एंड यहाँ से दोस्तों हम जो मेरा आईएफएससी कोड है सिंपली यहाँ से हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर हम सिंपली यहाँ से हम इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली सर्च जो अब यहाँ पर आपको ऑप्शन है सर्च वाला ना, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना। इस पर दोस्तों आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट का ब्रांच वगैरह ब्रांच आपका खुल करके आ जाएगा। एंड कौन सा बैंक है वो चीज़ भी आपको खुल करके यहाँ आ जाएगा, और कौन सा स्टेट आपका बैंक पड़ता है वो चीज़ भी यहाँ पर होगा, मतलब पूरा डिटेल में बैंक के बारे में खुल करके आ जाएगा। तो सिंपली क्या करें आपको सेलेक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। इस पर दोस्तों आप लोग जैसे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर मतलब कि आपका जो अकाउंट नंबर डला गया, आईएफएससी कोड डला गया, यहाँ पर जो आपका वेरीफाई भी यहाँ पर हो चुका है। तो सिंपली आपको एक ही काम बचता है, यहाँ पर आपको सिंपली सेव वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है। इस पर दोस्तों आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो जो आपका फोन नंबर होगा ना मतलब कि जो आपका अकाउंट में जो आपका अकाउंट मोबाइल नंबर में जो आपका माई इलेवन सर्कल में फोन नंबर वेरीफाई है उसमें आपका एक ओटीपी जाएगा। तो सिंपली उस ओटीपी को यहाँ सबको डाल लेना। तो यहाँ से दोस्तों हम अपना ओटीपी को सिंपली डाल लेते, देख सकते हैं मेरा ऊपर मेरा ओटीपी आया हुआ। तो उस ओटीपी को डाल कर यानी यहाँ पर आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना। वेरीफाई वाले ऑप्शन में ऑप्शन में आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो मेरा यहाँ पर जो मेरा अकाउंट था मेरा यहाँ पर मेरा ऐड हो चुका है, और जो मेरा बैंक अकाउंट था यहाँ पर मेरा लिंक हो चुका है। जितना पैसा यहाँ से आप लोग विड्रॉल करना चाहते हो सिंपली विड्रॉल ऑप्शन में विड्रॉ मतलब कि डाल लेना, पैसा को विड्रॉल कर लेना बैंक अकाउंट में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बैंक अकाउंट को यहाँ पर लिंक करना सीख गए होंगे और इस तरह से आप लोग यहाँ पर बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। बाकी अगर किसी प्रकार का अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैं उसके लिए अलग से मैं वीडियो बना लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।